Good morning, students. In our last class, we have studied about the de Broglie's matter wave equation about the electron ki jo de Broglie wavelength hogi kisi bhi electron se associated ya kisi bhi charge particle se associated wo kitni hogi wo humne dekha tha aur us par based kuch numericals also we have practiced, right? Now our next topic is the Davison-Germer experiment. Davison-Germer experiment जो है it has been omitted from your syllabus, but we will just look at this from the perspective of understanding. सिर्फ समझने के perspective से उसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, right? So that in the higher studies at the college level you will not face any difficulty. और अगर in case कोई simple question आ जाता है उस पर based in the form of objective, so that you'll be able to answer it, right? So एक simple सा experiment था जो कि perform किया गया था Davison और Germer के द्वारा, तो उसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं short में, right? Instead you need not to learn the whole experiment since it has been omitted from your syllabus, but just you should know the concept कि किस concept पे वो based था, that's why we are discussing it here, right? So the Davison and Germer, they were the two scientists and they have performed an experiment and that was called as the Davison-Germer experiment, right? तो क्या था ये experiment और किस principle पे work करता है वो चीज़ समझते हैं. आपको learn करने की ज़रूरत नहीं है, we will just discuss it from the perspective of understanding only, right? सो जो Davison-Germer दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट? किसी भी रेडिएशन का लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एंड दैट एक्सपेरिमेंट वॉज कॉल्ड एज द Davison-Germer एक्सपेरिमेंट नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट? सो बेसिकली उनका एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने यहाँ पे एक फिलामेंट लिया. दे हैव टेकन अ फिलामेंट हियर और जब इस फिलामेंट को वो हीट करेंगे तो इस फिलामेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे, राइट? उन्होंने इस फिलामेंट को एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया. बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक बैटरी लगा दी और इस बैटरी की हेल्प से यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया और इस फिलामेंट के दूसरे एंड को इस रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया. अब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा और सिंस करंट फ्लो हो रहा है फिलामेंट के थ्रू तो जो फिलामेंट है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलने लग जाएंगे, राइट? सो इस तरीके से एक फिलामेंट को हीटअप करके हम इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करवा सकते हैं. उसके बाद हमको एक फाइन बीम चाहिए इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे. हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जाएं और हमको उनकी एक इंटेंस बीम चाहिए. इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मेटलिक प्लेट लगा दी या एक मेटलिक सरफेस लगा दी, राइट? सो दैट अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केवल इसी सर्फेस से जाएंगे, सो दैट हमको एक इंटेंस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल जाएगी, राइट? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एक शार्प बीम, एक इंटेंस बीम जो है वो हमको मिलेगी. दैट विल बी पासिंग थ्रू द दिस सरफेस. इस सरफेस को भी मैंने एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है सो दैट टू गिव द पोटेंशियल डिफरेंस टू दिस प्लेट. बेसिकली यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी इस तरीके से और इसका जो दूसरा एंड है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया करा है एक दूसरी प्लेट से जो कि ऑल्सो ये एक दूसरी प्लेट है. बेसिकली इन दो प्लेट्स को लगाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वाली प्लेट को हायर पोटेंशियल पे रखा गया और इस वाली प्लेट को लोअर पोटेंशियल पे रखा गया, राइट? क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम बात करते हैं इस तरीके के किसी एक्सपेरिमेंट की तो हमको दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, द कैथोड एंड द एनोड, राइट? और जो एनोड है वो हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड,
तो सिंस यू हैव कनेक्टेड द पॉजिटिव ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद ए, दैट इज वाई द ए इज एट द हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सी. सो दिस सी इज एक्टिंग एज अ कैथोड एंड ए इज एक्टिंग एज एज एन एनोड, राइट. एंड दिस कैपिटल एफ इज रिप्रेजेंटिंग द फिलामेंट डीआर. तो यहाँ से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि एनोड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, राइट. अब इसके बाद यहाँ से आपको एक शार्प इंटेंस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो रही है. यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल प्लेस कर दिया, राइट. सो आई हैव पुट अ क्रिस्टल हियर, दिस क्रिस्टल इज बीइंग डिनोटेड बाय सी हियर. एक क्रिस्टल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और जब मैंने इस क्रिस्टल को यहाँ पे प्लेस किया है तो ये क्रिस्टल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करने का काम करेगा, राइट. जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम इस क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगी तो जो क्रिस्टल्स हैं वो स्कैटर होंगे और वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर होंगे. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर होके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए और यहाँ पे ये जो एंगल बना, लेट दैट एंगल बी डिनोटेड बाय थीटा हियर, राइट. इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक सर्कुलर स्केल बना दी, मतलब यहाँ पे एक सर्कल एक स्केल प्लेस कर दी और इस स्केल पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, राइट. इस स्केल पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, दैट डिटेक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. और ये जो डिटेक्टर है उस डिटेक्टर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, राइट. मतलब कितने एंगल पे बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्कैटर हुए हैं उसको हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, राइट. इस डिटेक्टर को यहाँ पे उन्होंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको अर्थिंग कर दिया सो दैट आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, जिससे कि हमको पता लग जाएगा कि जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी. इसके लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है ब्रैग्स इक्वेशन केमिस्ट्री में. यू माइट हैव स्टडीड द ब्रैग्स इक्वेशन, दैट इज एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन. एन जो है वो डिफ्रैक्शन का ऑर्डर होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर. We will not discuss it here in that much detail क्योंकि chemistry में आप लोग already पढ़ चुके हो. N is the order, lambda is the wavelength, 2 is obviously numerical constant, theta जो है वो angle है diffraction का, right? जो theta है that will be the diffraction, the angle of diffraction. और ये जो small d है वो inter atomic separation है, right? दो atoms के बीच की जो distance होगी that is called the inter atomic separation, जिसकी value जो है हर एक substance के लिए अलग अलग होती है, right? तो जब आप यहाँ पे सारी values put करेंगे so that you will get the value of this lambda here. और इस तरीके से इस experiment के basis पे हम find out कर सकते हैं किसी भी radiation की, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम इंसिडेंट करवाई जा रही है वैसे अगर किसी भी कोई और दूसरी रेडिएशन को हम इंसिडेंट करवाएं इस क्रिस्टल पे तो उसकी स्कैटरिंग के बेसिस पे, उसके डिफ्रैक्शन के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन कि उसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी, राइट. सो दिस वॉज बेसिकली द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसका बेसिक नॉलेज हम लोगों ने जस्ट देखा कि किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप निकाल सकते हो लैम्डा की वैल्यू, राइट. सो वी शैल नॉट डिस्कस इट हियर इन डिटेल एज इट इज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस. सो प्रोसीडिंग अहेड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोइलेक्ट्रिक सेल, राइट. सो जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल है दैट इज बेसिकली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो व्हाट डू वी मीन बाय द फोटोइलेक्ट्रिक सेल और कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे. सो ऑब्वियसली एज द नेम ऑफ द सेल सजेस्ट दैट फोटोइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. ये जो सेल्स हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पर ही कहीं ना कहीं बेस्ड होती है, राइट. तो समझते हैं कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं. तो सिंपली वी कैन से दैट फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं.
So the cells which convert the light energy into the electrical energy are called as the photoelectric cells. ऐसे cells जो कि light energy को electrical energy में convert कर दे, उनको हम बोलेंगे photoelectric cells. So let us basically जो photoelectric cells होते हैं वो दो types के three types के होते हैं, photo emissive, photovoltaic और photo conductive, right? फोटोइलेक्ट्रिक सेल भी तीन टाइप के, फोटो एमिसिव, फोटो वोल्टेइक एंड द थर्ड वन फोटो एमिसिव फोटो वोल्टेइक एंड द थर्ड वन वुड बी फोटो कंडक्टिव, राइट? तो तीन टाइप के सेल्स होते हैं, तीन टाइप के फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, जिसमें से हमको पढ़ना है यहाँ पे फोटो इमिसिव सेल, राइट? सो वी शैल डिस्कस द फोटो इमिसिव सेल हियर एज इट इज इन योर सिलेबस. तो हम समझेंगे फोटो इमिसिव सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट? तो बेसिकली जो फोटो इमिसिव सेल हैं वो दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज वैक्यूम फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें से पहला है वैक्यूम फोटो इलेक्ट्रिक सेल. सो समझते हैं कि ये वैक्यूम फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, राइट? तो बेसिकली अगर मैं एक वैक्यूम फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करूं, तो एक नॉर्मल सेल की ही तरह इसमें भी दो प्लेट्स होंगी. ऑब्वियसली बात है कि जब हम सेल बना रहे हैं तो हमको दो प्लेट्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक हाई पोटेंशियल पे हो और दूसरी जो है वो लो पोटेंशियल पे हो. दैट इज वी कैन से दैट एक जो है वो कैथोड हो और दूसरी एनोड हो. तो मैंने यहाँ पे मान ली दो प्लेट्स, जिसमें से ए जो है वो एनोड है और सी जो है वो कैथोड है. बेसिकली ये जो सी है वो सीजियम की बनी हुई है, सॉरी सिल्वर की बनी हुई है, जिस पर सीजियम की प्लेटिंग है, राइट? एक सिल्वर प्लेट जिसके ऊपर सीजियम जो है वो सीजियम की कोटिंग है, राइट? और ये वाली जो एनोड जो है उसमें इस तरीके से ये जो एनोड है वो बेसिकली एक मेटलिक इलेक्ट्रोड है, राइट? जिसमें इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. और ये जो है वो निकल और प्लैटिनम की बनी हुई है, राइट? और बेसिकली सिंस इसका नाम ही है वैक्यूम, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बल्ब के अंदर प्लेस कर दिया और उस बल्ब के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, राइट? तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया, एक बल्ब के अंदर प्लेस कर दिया और इस बल्ब के अंदर हमने वैक्यूम जो है वो क्रिएट कर दिया है, लाइक दिस. वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब जितने भी गैस पार्टिकल्स थे या कोई दूसरा मैटर अगर प्रेजेंट था वहां पे, तो उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, राइट? इसके बाद यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी और एक बैटरी और एक रेजिस्टर की हेल्प से हमने इसको इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, लाइक दिस. और यहाँ पे मैं एक माइक्रोमीटर लगा देता हूँ, सो दैट इट कैन डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. और सिंस ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आप लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे लाइट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी वो बहुत कम होगी, राइट? मतलब बहुत फीबल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो पाएगा. और सिंस एक बहुत फीबल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है उसको एम्पलीफाई करें, राइट? तो यहाँ पे हमने उसको एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया है, सो दैट इट कैन एम्पलीफाई द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर. और इस तरीके से एक बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक वैक्यूम फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो बनाया जाता है, राइट? सो इसकी वर्किंग समझते हैं.
इसकी वर्किंग में बेसिकली क्या होगा, इस कैथोड वाली प्लेट पर लाइट रेज जो है उनको इंसिडेंट करवाया जाता है। एक लाइट लाइट रेज जो कि प्रॉपर इंटेंसिटी की है, एक प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट रेडिएशन को मैंने इस कैथोड पे इंसिडेंट करवाया। और जब मैंने कैथोड पर लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया है तो वी नो दैट द लाइट विल इम्पार्ट इट्स एनर्जी टू द कैथोड एंड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन विल मूव आउट ऑफ द कैथोड सर्फेस, राइट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी मेटल सर्फेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और सिंस इलेक्ट्रॉन्स अपनी मेटल सर्फेस से बाहर आने की कोशिश कर लेंगे तो चूंकि एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। और इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो गया, और सिंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन में है इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे माइक्रो एमिटर की हेल्प से। नाउ एज द थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत कम है, राइट, बहुत फीबल करंट जो है वो प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम करंट को बढ़ाएं ताकि हम उससे कोई वर्किंग ले सकें। और उसको उस करंट को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एम्पलीफायर से जोड़ दिया, और ये एम्पलीफायर क्या करेगा, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, सो दैट वी कैन जस्ट यूज इट इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन अवर एनी ऑफ अवर हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस एज वेल, राइट। और इस फोटो इस वैक्यूम फोटो इलेक्ट्रिक सेल द फर्स्ट सेल दैट वी हैव डिस्कस्ड, एक और टाइप का जो सेल होता है वो होता है गैस फिल्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल, राइट। तो वैक्यूम वाला एज द नेम सजेस्ट, जिसमें कि वैक्यूम हो, और दूसरा वाला जो होता है वो गैस फिल्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। सो गैस फिल्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होगा, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट कि इस वाले सेल के अंदर जो वैक्यूम है वो वैक्यूम नहीं क्रिएट किया जाएगा, बल्कि वहाँ पे कुछ इनर्ट गैसेस, आपको पता है इनर्ट गैसेस जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, इनर्ट गैसेस को फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल आर्गन, नियॉन, इस तरीके की गैसेस को इस चैम्बर के अंदर फिल कर दिया और उसको वैक्यूम नहीं रखा गया, राइट। और इस तरीके के सेल को बोला गया गैस फिल्ड फोटोइलेक्ट्रिक सेल। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो करंट था उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, राइट। और कितना इंक्रीमेंट हुआ, बेसिकली 5 फैक्टर से इंक्रीमेंट हुआ, कि अगर पहले मान लीजिए 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था तो अब कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट, राइट। सो गैस फिल करने से जो करंट है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, और करंट जो है उसकी इंटेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज हुई, राइट। और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होंगे। ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, हमने रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और एनोड तक गए, राइट। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ इन दोनों के बीच में, तो यहाँ बीच में जो गैसेस फिल्ड हैं वो गैसेस भी आयनाइज हो जाएंगी, और चार्जेस का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और चूंकि ज़्यादा चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और ज़्यादा करंट फ्लो होना बेसिकली दैट वॉज अवर ऑब्जेक्टिव, हम चाह ही यही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो। तो इस तरीके से जब हम गैस फिल कर देंगे इस चैम्बर में, तो उससे जो इफ़िशेंसी है एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और हमको ज़्यादा करंट मिल पाएगा इस इन सेल्स की हेल्प से, राइट। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। बेसिकली व्हाट आर दीज एडवांटेजेस, वो समझते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स के। तो एक मोस्ट प्रोमिनेंट एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो चूंकि आपको पता है कि ये फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पे बेस्ड हैं, राइट, इनकी जो वर्किंग है वो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पे बेस्ड है, और आपको पता है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का जो फोर्थ लॉ होता है कि
इसमें बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होगा, राइट? इट इज एन इंस्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई वैसे ही फोटॉन्स इमिट हुए, और जैसे ही फोटॉन्स इमिट हुए वैसे ही करंट फ्लो हुआ. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें टाइम लैग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट? द सेकेंड वुड बी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के. जो करंट होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. आप जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन इंसिडेंट करवाओगे आपको उतना ज्यादा करंट जो है वो आउटपुट में मिल सकता है, राइट? और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो होते हैं वो काफी रिलायबल होते हैं, राइट? मतलब रिलायबल मतलब हम बोल सकते हैं भरोसेमंद होते हैं. इनका जो इनके द्वारा जो करंट का अप्रोक्सीमेशन किया जाता है वो काफी एक्यूरेट होता है. मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि हम अंदाजा कुछ और लगाएं और हमको आउटपुट में कुछ और करंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है. ये जो सेल्स हैं वो काफी रिलायबल होते हैं और इनके करंट का जो अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है वो काफी हद तक एक्यूरेट होता है, राइट? तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के. फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के यूज की अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के काफी सारे यूजेस होते हैं. तो कुछ यूजेस देख लेते हैं. जो बर्गलर अलार्म्स होते हैं, जो चोरी से बचाने के लिए जो अलार्म्स लगाए होते हैं बैंक्स वगैरह में और लॉकर्स में, सो वो जो अलार्म्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं सेल्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. इसके अलावा टेलीविजन में फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज होता है. सिनेमा, अगर हम सिनेमा हॉल में हैं और वहाँ पे जो साउंड सिस्टम लगा होता है तो साउंड के प्रपोगेशन में, उसके रिप्रोडक्शन में भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का जो है यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो ऑटोमेटिक स्विच होते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स में ऑटोमेटिक स्विच लगे होते हैं, तो स्ट्रीट लाइट में जो ऑटोमेटिक स्विच लगे होते हैं बेसिकली वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं उनका यूज किया जाता है. तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दैट वी हैव सीन हियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, एंड हेंस अवर चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड नाउ. फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस, दैट इज द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट? सो इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट, वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.